अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर राजीव गांधी युवा मित्र द्वारा लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वे कर्मचारी है जिनको पूर्ववर्ती सरकार ने अपनी योजनाओं के लिए प्रचार प्रसार के लिए लगाया था। कुछ राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के बेरोजगार यहाँ पर हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। वो कहाँ से हैं वे, आप कहाँ से हैं? अलवर से। हमारी यही मांग है कि हमारा जो रोज़गार था उसको वापसी से बहाल किया जाए। हमें कानून तरह से हटा दिया गया है। हमको अभी लगे 3 महीने हुए थे और हमारा प्रावधान था साल भर का, वैसे था 2 साल के लिए लगाए थे, 3-3 महीने बढ़ा के, जिनको हटा दिया गया गैर कानून तरीके से। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहाली वापसी से हो। आप कितने दिन से बैठे हैं? 27 तारीख से लगातार। बीच में 7 दिनों का स्थगित किया गया था धरना को। किस कारण आपको हटा दिया गया है? किस कारण आपको हटाया गया है सरकार द्वारा? उनको राजनीति का टेक दे दिया हमें कि हम कांग्रेस के बंदे हैं, इसलिए हमें हटा दिया यहाँ से। सर, जब भी नई सरकार आती है रोजगार के अवसर लेकर आती है, लेकिन इस सरकार ने युवाओं का रोजगार छीन लिया और हम जो भी कदम होगा हम उठाएंगे और हम बहाल होकर रहेंगे। सरकार से कोई आश्वासन मिला? आश्वासन सर कुछ नहीं मिला, मिला था 7 दिन के बाद सोचेंगे हम, लेकिन अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए सर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो भी हमसे होगा वो सब हम करेंगे। आपकी अभी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आने वाले समय में उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। हमारे पास 5,000 युवा मित्र हैं, उसके बाद में उनके 50,000 हमारे परिवार हैं और 5 लाख हमारे वोटर हैं, क्योंकि हमने गांव गांव घर घर डाड़ी आड़ी जाकर लोगों को प्रचार प्रसार कराया है योजनाओं का, तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। हम बोलते हैं उन्हीं को वोट देंगे, तो हम सरकार से कहते हैं हमारी जो भी राजीव गांधी युवा मित्र उनको बहाल करें, यही कहना चाहूँगा मैं सरकार से। देखिए, इन बेरोजगारों का कहना है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इनको सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगाया था। कुछ बेरोजगार और हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकर आप यहाँ पर सर, यहाँ पे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र, उन लोगों को बर्खास्त कर दिया था भजनलाल जी की सरकार ने, तो बर्खास्त किए हुए सारे के सारे युवा मित्र सबसे पहली मांग रखते हैं कि बहाल किया जाए और फिर इनको परमानेंट किया जाए। चाहे नाम हमारा राजीव गांधी युवा मित्र की जगह दूसरा रख लिया जाए, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हम लोगों को वापस रोज़गार दिया जाए, उसी मांग को लेके पिछले 27 तारीख से हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और हमारी मांग को सुनने के लिए न तो कोई प्रशासन आ रहा है। हमेशा से शहीद स्मारक बना हुआ है कि प्रशासन तक अगर बात नहीं पहुँचाई जाती है किसी भी तरीके से, तो धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाने का ये एक जयपुर के अंदर शहीद स्मारक के रूप में यहाँ पे जगह है जहाँ धरने देके कोई भी बात पहुँचा देता है। बाकी सरकार ने इतनी हठधर्मिता अपना ली है कि हम लोगों को यहाँ धरने देने के लिए भी परमिशन देने को तैयार नहीं है। तो कल हमारी कमेटी ने तय कर लिया था कि हमें परमिशन दे या न दे, हम लोग यहाँ ही रहेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला किसी मंत्री ने आपको? आश्वासन मंत्रियों ने मौखिक तौर पे तो सब लोगों ने कहा है कि हम लोग आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, बाकी लिखित में और यहाँ जहाँ धरना दे रहे हैं यहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास अभी तक तो आया नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा हमारे पास यहाँ आए, हमसे बात करे, या हमारा डेलीगेशन सरकार बुलाए और एक टेबल पे जो भी उचित बात है वो बात करे और लिखित के अंदर हमें देंगे, तभी हम उस बात को मानेंगे, वरना हमारा धरना निरंतर चलता रहेगा। आगे कमेटी क्या निर्णय लेती है, कितना बड़ा रूप धारण करता है ये धरना, वो कमेटी तय करेगी, आने वाला समय तय करेगा। हजारों की संख्या में यहाँ रात भी रुके हुए थे, अभी भी रुके हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो गाँव में बैठे हैं वो आज के दिन यहाँ पर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उससे पहले हमारे से बात की जाए, कैबिनेट की बैठक के अंदर हमारे लिए वापस प्रस्ताव बनाकर हमें वापस रोजगार दिया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है।
क्योंकि इन राजीव गांधी युवा मित्रों का कहना है कि कैबिनेट की पहली बैठक से पहले हमारे लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए। कुछ राजीव गांधी युवा मित्र हो रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर आप कितने दिन से यहाँ? मैं 7 दिन से लगातार हूँ, हंसदास कांबड़ जोधपुर से हूँ। 7 दिन से लगातार निरंतर इस अथक प्रयास में हम जी जान लगा के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा हूँ। और हमारे इस आज से पहले कुछ दिन पहले धरना था, सरकार ने डेलीगेशन के लिए बोला था, जबकि सही ढंग से बात नहीं पहुंची सीएम तक, ना डिप्टी सीएम तक पहुंची। हम 17 महीनों से काम कर रहे हैं, जबकि एज ए विभाग के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जबकि जो सरकार की जो भी सिस्टम के काम दिया जाता है वो हम काम कर रहे हैं। सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठे हैं उन व्यक्ति को घर घर तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। जबकि विधानसभा बजट के अंदर हमारी विज्ञप्ति निकली थी, आवेदन मांगे थे, आवेदन मांगने के पश्चात हम लोगों का साक्षात्कार हुआ था, साक्षात्कार होने के पश्चात हमारे 7 दिन की वर्कशॉप हुई थी, 7 दिन का प्रशिक्षण हुआ था, उसके भीतर फील्ड विजिट हुई थी, फील्ड विजिट के बाद एक दिन हमारा लिखित परीक्षा हुई थी, उसके बाद एज ए चयन बोर्ड की प्रक्रिया के दायरे के माध्यम से ये विज्ञप्ति के तौर पे हम लोगों को लिया गया है। जबकि हम कोई किसी सरकार का टैग नहीं लगा हुआ है, सरकारें आती रहती है जाती रहती हैं, जो भी जिस प्रकार गवर्नमेंट की विज्ञप्तियाँ निकलती है वो कोई पार्टी की नहीं होती हैं, सरकार की यूपीसी की भर्ती आती है, आरपीसी की आती है, कर्मचारी चयन बोर्ड की आती रहती हैं। हम जो सरकार चाहे, और हमारे से राजीव गांधी युवा मित्र से किसी को मतलब परेशानी है तो हम इसी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस विज्ञप्ति के तौर पे या नए सिरे से या इसी सिरे से इस नाम राजीव गांधी युवा मित्र का परिवर्तन करके दीनदयाल उपाध्याय करे, अटल करे, जो भी जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी करे, हम लोगों को रोजगार दिया जाए। इन 5,000 लोगों को पेट पे लात दी है, हम प्रकृति और परमात्मा को साक्षी मानकर कहते हैं कि हम लोकसभा के अंदर भी 50,000 घरों की लाई लगी है। जबकि मुख्यमंत्री महोदय को मीडिया से निवेदन करना चाहते हैं कि सीएम साहब के अंदर ये बात हमारी विधानसभा के अंदर उठनी चाहिए और सीएम साहब के पास पहुंचनी चाहिए और हम लोगों को किसी क्षेत्र के अंदर तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। धन्यवाद। देखिए इन अभ्यर्थियों का कहना है, जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के तहत कार्य करते थे, कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। इन महिला राजीव गांधी युवा मित्र अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे। मैम आप कहाँ से? जोधपुर से। हम यहाँ पे, हमें राजीव गांधी युवा मित्र थे तो हमें हटा दिया गया है, तो हम अपना हक लेने आए हैं वापस कि हमें बहाल किया जाए। कितने दिनों से आप यहाँ पे डटे हैं? हमारे 4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। इन महिला अभ्यर्थियों का भी कहना है कि हमारी ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के सभी 5,000 युवा मित्रों को पुनः सरकार द्वारा वापस लगाया जाए। कुछ महिला अभ्यर्थी और हैं जो राजीव गांधी युवा मित्र से संबंधित है, इन महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। मैम आप किन मांगों के लेकर यहाँ पर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें दोबारा रखा जाए, नाम चेंज कर दिया जाए और हम 5,000 युवाओं को दोबारा रखा जाए। कहाँ से आए हैं? मैं श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ जिले से आई हूँ। पिछले कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे? पहले 7 दिनों में तक धरना था, अभी हम 3 दिनों से लगातार यहीं जयपुर में बैठे हैं। इन महिलाओं का कहना है कि हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और ये इनका कहना है कि राजीव गांधी युवा मित्र योजना का नाम बदलकर अटल कर दिया जाए या किसी और नाम से कर दिया जाए तो इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनको पुनर्नियुक्ति दी जाए। कुछ महिला अभ्यर्थी और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से ही है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो यही है, हमारा रोजगार हमको वापस दे दो। आज 9 दिन 10 दिन से बैठे हुए हैं हम लोग कि 25 तारीख से हमारी नौकरी छीनी गई है। जब से आज तक के लिए हमने कई बार बोल दिया, सीएम साहब के यहाँ पे भी बोल दिया, पर कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्या सरकार कर रही है बैठ के। कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे थे? हम 18 महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे। सैलरी कितनी मिलती है? 17,500 रुपये मिलते हैं हमको, स्टाइफंड के रूप में मिलता है, जो हमारे परिवार के लिए खर्चा पानी में काम आता था। आज 1 महीना हो गया हमको घर पे बिठा रखा है, अब घर परिवार कैसे चलाएंगे हम लोग, आप खुद बताओ ये चीज़। तो अभी कोई सरकार से आपको आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं है, बस बैठे हैं हम लोग यहाँ पे आके घर परिवार छोड़ के।
देखिए इन महिला अभ्यर्थियों का सरकार पर आरोप है कि अभी तक सरकार की तरफ से इनको कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं सुनील कुमावत, मेरा कैमरामैन सहयोगी संजय कुमार के साथ द नगरी न्यूज़।